क्रिकेट में अंपायर अगर कोई डिसीजन दे देते हैं तो क्या वो चेंज कर सकते हैं? मैं वो डिसीजन की बात कर रहा हूँ जो कि मान लीजिए अंपायर ने आउट दे दिया, उसके बाद वो करार दे रहे हैं ये नॉट आउट, मेरा भूल हो गया है। ऐसा क्या हो सकता है? आईसीसी के रूल बुक में क्या कहते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। क्रिकेट में अंपायर के डिसीजन बहुत महत्व रखता है। एक गलत डिसीजन पूरे मैच को बदल दे सकता है। गलत डिसीजन देने के बाद अंपायर को तो समझ ही नहीं आएगा कि वो गलत डिसीजन दे चुके हैं, क्योंकि उनको वही सही लगेगा। लेकिन अगर अंपायर को रियलाइज हो कि वो गलत डिसीजन दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं, तब क्या होता है? क्रिकेट की लॉ यानी एमसीसी लॉ 27.9 के दौरान अंपायर डिसीजन में क्या है या फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। वहां पर कहा गया है, अगर अंपायर डिसीजन देते वक्त सोचे कि ये गलत डिसीजन हो रहा है, तब वो इंस्टेंटली चेंज कर सकता है, लेकिन वो इंस्टेंट होता है। अब इंस्टेंट कितना सेकंड में या कितना मिनट में होता है वो वहां पर नहीं लिखा गया है। नहीं तो अगर कोई फाइनल डिसीजन अंपायर दे देते हैं तो वो चेंज नहीं हो सकता है, और ये जो अंपायर डिसीजन दे रहे हैं वो अंपायर खुद चेंज नहीं कर सकता है। इसके बाद बहुत सारे एक्सक्लूजन भी आता है। मान लीजिए मेन अंपायर किसी को आउट दे रहे हैं, साथ साथ लेग अंपायर जो है वो उसको नो बॉल करार दे सकते हैं। अगर नो बॉल करार दिया जाता है तो उनको रिवोकिंग सिग्नल देना होगा और उसके बाद जाके उनको नो बॉल करार देना होगा। या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो आउट देने के बाद भी या फिर चौका या छक्का देने के बाद भी वो लेग अंपायर के साथ थोड़ा बातचीत करे, उनसे सुने कि उनका राय क्या है, या फिर लेग अंपायर भी सामने आकर उनसे बात कर सकते हैं। बातचीत करने के बाद उनको अगर लगता है कि ये डिसीजन गलत है तो वो गलत करार दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बात के बाद भी नहीं सुलझता है तो वो जाते हैं थर्ड अंपायर यानी टीवी अंपायर की ओर। टीवी अंपायर तब रिप्ले देखते हैं और रिप्ले देने के बाद उन्हें बोलते हैं कि ये आउट होगा या फिर नॉट आउट होगा। उनके बाद टीवी अंपायर के कहे दौरान वे बैट्समैन को आउट या फिर नॉट आउट दे सकते हैं। ये चौका छक्का के साथ भी होता है, लेकिन हर बार कोई भी डिसीजन को अगर चेंज करना हो तो रिवोकिंग सिग्नल देना जरूरी है, जो कि हम लोग एपोलॉजी सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों क्रिकेटर स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दिया दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।